चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। जल्दी से इस वीडियो को शेयर करते हैं और लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आज का जो क्वेश्चन 12 से स्टार्ट करें या तो 1 से स्टार्ट करें, जल्दी से आप लोग बताइए कि 12 से स्टार्ट किया जाए या तो 1 से स्टार्ट किया जाए। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा यस या नो। लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें बच्चों जल्दी से। चलिए इसका जो प्रश्न होगा, पहला प्रश्न था इसका सही आंसर ऋणात्मक होगा, है ना। फोकल दूरी ऋणात्मक होगा कौन सा दर्पण का, तो वह दर्पण हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला प्रश्न उसको देखिएगा, नीतू कुमारी कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए आकाश सिंह तोमर स्टार्ट कर दिए हैं, अगला प्रश्न उसको देखिएगा। दूसरा है फोकल दूरी दर्पण की फोकल दूरी f और वक्रता त्रिज्या में अंतर है, जल्दी से आपको बताना है, संबंध है, बताता है कौन सा दर्पण से बताता है। आप लोग जल्दी से जो लेट से जुड़े हैं उनके लिए हम स्टार्ट कर दिए। आप लोग जल्दी से कमेंट फास्ट करिएगा और शेयर भी कर दीजिए। आप वीडियो को लाइक करना ना भूले, मात्र 2 लाइक है, ऐसा नहीं चलेगा जी। आप लोग के लिए मैं इतना करता हूँ, आप लोग मात्र लाइक भी नहीं करते नहीं शेयर करते हैं। आकाश सिंह तोमर जी बहुत दिन के बाद आए हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका 2 है उसकी ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 2 है कि समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है, समान आंख के लिए आपको स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो वह हो जाता है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका 4 है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी कि वर्ण प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम मुड़ता या झुकता है, तो सबसे कम मुड़ने वाला जो आपको किरण का जो रंग है, प्रकाश का जो रंग है, वह कौन सा हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइएगा, फास्ट चलूंगा 12 तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो लाल हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा जी हाँ। जिनका आंसर सी है बहुत बढ़िया, लाजवाब, खूबसूरत। चलिए अगला प्रश्न है, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि यानी कि प्रतिबिंब इमेज इसको कहते हैं अंग्रेजी में बच्चों, याद रखिएगा, जो आंख पर जो बना यानी कि रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न उसको देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 6 है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण, आंख का जो आकाश होता है, आंख का आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण, जल्दी से बताना है बच्चों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बनता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा बंदा लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, अमित कुमार का ऑप्शन सी बी है। अगला प्रश्न उसको देखते हैं, प्रश्न नंबर आपका 7 है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, आप लोग को अभी मैं बतलाया था, जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा निकट दृष्टि दोष को ठीक करने में उपयोग किया जाता है, कौन सा लेंस लगाया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए, तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका याद रखना है ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न का आठ नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अवतल लेंस से हम लोग निकट दृष्टि दोष ठीक करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा भाइयों, आप लोग को अभी मैं बतलाया था। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, तो विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, हम लोग गैल्वेनोमीटर कहते हैं या तो हम लोग एम्पियर कहते हैं, ठीक ना, तो एम्पियर ऑप्शन में नहीं है, जिसके कारण आपका गैल्वेनोमीटर हो जाएगा, आपको 9 नंबर प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला प्रश्न उसको देखें, प्रश्न नंबर आपका 10 है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, दाएं हाथ के अंगूठे के उंगलियों को किसने प्रतिपादित किया था, 10 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। मैं 12 से स्लोली चलूंगा, जल्दी से आप लोग बच्चों, मात्र 5 बच्चे देख रहे हैं, बताइए इस ठंडा में मैं आपके लिए दोबारा मैं आ गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, विभवांतर का SI मात्रक पूछ रहा है दोस्तों, जल्दी से आप लोग बताइए, सब बच्चा बच्चा जानता होगा विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है। 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन विभवांतर का वोल्ट होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा भाइयों जी हाँ, अमित कुमार का ये है, बहुत बढ़िया। एक बार जल्दी से आप शेयर कर दीजिए, 12 नंबर प्रश्न पर आ गए हम लोग। निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है,
किस संयोजन में प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा भाइयों? तो याद रखना है श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बढ़ता है, याद रखना श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रतिरोध जो होता है बढ़ जाता है, और समांतर क्रम में क्या होता है, घट जाता है, याद रखना है प्रतिरोध घट जाता है कौन सा, तो समांतर क्रम में, और इसमें क्या होता है बढ़ जाता है मित्रों, याद रखना है बढ़ जाती है समांतर क्रम में। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको देखिएगा। 13 नंबर प्रश्न है, आप लोग को बताना है आंसर इसका, चुंबकीय बल रेखाएं की प्रकृति होती है। जी हाँ, चुंबकीय बल रेखाएं की प्रकृति होती है। ऑप्शन आपके पास है 4, बताइएगा काल्पनिक होती है, ऑप्शन बी वास्तविक होती है, ऑप्शन सी दोनों होती है यानी कि वास्तविक और काल्पनिक होती है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। आप लोग के पास आवाज जा रही है तो आप लोग जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे चलिए प्यारे बच्चों। तो यहाँ देखिएगा क्वेश्चन 13 नंबर का हो जाएगा ए फॉर एप्पल ए, यानी कि आपको नीतू कुमारी का आंसर देने का तरीका देख लीजिए, इसका 13 नंबर प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा जी। चलिए प्यारे बच्चों आप लोग आंसर कमेंट करिएगा। अब आपका प्रश्न नंबर आ गया है 14। 14 में क्या कहता है जो इसको देखना है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? जी हाँ दोस्तों जल्दी से बताइएगा, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा आप लोग शेयर नहीं करिएगा तब मैं स्पीड से चलूंगा और वीडियो को तुरंत खत्म करके चला जाऊंगा घर। तो यहाँ देखिएगा आपको 14 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 3.3.6 × 10^6 जूल होता है, याद रखना है दोस्तों ऑप्शन आपका सी हो जाएगा भाइयों। अगला प्रश्न उसको देखते हैं, प्रश्न नंबर आपका 15 है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है आपको बताना है, मात्र 6 बच्चे देख रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा आपको स्पेशल क्लास 10th वालों के लिए लाए थे, देखो कितने बच्चे आप लोग 10th वाले देख रहे हैं, मात्र 6 पब्लिक देख रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है जल्दी से आप लोग बताइएगा, 15 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, नवीकरणीय कौन सा स्रोत होगा? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न उसको देखना है, प्रश्न नंबर आपका 16 है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? आपको 16 नंबर प्रश्न का आंसर देना है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो वह हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं आपको, अभिसारी लेंस कहते हैं, याद रखना है। अब चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको देख लेंगे। प्रश्न नंबर आपका 17 है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है जल्दी से आपको बताना है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? आप लोग कमेंट लेट से करते हैं, मैं जल्दी जल्दी ये आंसर पढ़ जाता हूँ। तो यहाँ देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, याद रखना है सोनू कुमार यादव का ये आया है 17 नंबर प्रश्न का। तो यहाँ देखो बैजानी है पिनाला, तो यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त में सभी, लाल हरा और नीला ये तीनों आपका प्राथमिक रंग होता है, प्राइमरी कलर होता है बच्चों, तो याद रखना है प्राइमरी कलर जब हो जाता है तो ये तीनों आपको रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? जी हाँ बच्चों बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो वह होता है आप लोग जानते हैं कि आयरिस जो होता है, आयरिस को हम लोग परितारिका कहते हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा बच्चों, याद रखना है ऑप्शन डी हो जाएगा, आयरिस को ही क्या कहते हैं परितारिका कहते हैं, याद रखना है परितारिका, परितारिका याद रखना है बच्चों, आयरिस को ही परितारिका कहते हैं। 18 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा, मात्र 4 बच्चे देख रहे हैं तो आगे मैं वीडियो बनाने की कोशिश में नहीं हूँ, आप लोग मात्र 20 बच्चे 10 बच्चे भी देखते हैं ठीक ना। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, आप इसका जान लीजिए कि आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? तो आंख का जो रंग निर्भर करता है वह भी आपको आयरिस पर ही निर्भर करता है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, 1 HP बराबर होता है? जी हाँ 1 HP क्या है जो आप लोग जानते हैं, 1 HP का मतलब होता है हॉर्स पावर, क्या होता है हॉर्स पावर, हॉर्स पावर 1 हॉर्स पावर बराबर
कितना होता है? एक हॉर्स पावर, यानी हॉर्स पावर को हिंदी में बोला जाए तो अश्व शक्ति। अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति बराबर, एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? जल्दी से आपको बताना है, आप लोगों को बतलाए थे 19 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन ए 746 वाट होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। जिनका आंसर ऑप्शन ए है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है विशालक, विशालक शीशा यानी कि मैग्निफाइंग ग्लास होता है। मैग्निफाइंग ग्लास क्या होता है? आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा होगा, तो ऑप्शन ए है अवतल लेंस होता है, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण और डी है उत्तल दर्पण। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, 20 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सोनू कुमार यादव जी का ऑप्शन आया है सी, नीरज कुमार का आया है बी। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर पा रहे हैं क्या? आप लोग के पास नेट नहीं है क्या? आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अवतल लेंस को ही मैग्निफाइंग ग्लास कहते हैं। अगला प्रश्न है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं बुआ? गतिशील कौन करता है? ऑप्शन ए है परमाणु करता है, आयंस करता है, डी है आपको सी में प्रोटॉन और डी में है इलेक्ट्रॉन। जल्दी से बताइएगा एरा में कौन है जो गति करता है? तो यहाँ पर आपको 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे। जल्दी से मैं आप लोग का कमेंट का मैं वेट कर रहा हूँ। 21 नंबर सोनू कुमार का डी आया है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा सोनू कुमार का आंसर डी था। अगला प्रश्न है एम्पियर घंटा, जी हाँ एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? जल्दी से आपको बताना है एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? आपको 22 नंबर प्रश्न का आंसर देना है प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका शक्ति है, बी में आवेश है, सी में ऊर्जा है और डी में आपका इनमें से कोई नहीं है। तो बताइएगा एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? एम्पियर घंटा आपको बताना है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा अभी। चलिए अगला प्रश्न उसको देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? जी हाँ कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? आपको 23 नंबर प्रश्न उसको बताना है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइएगा 23 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ए मात्रक आपको कहा है वाट किसका मात्रक किसके बराबर होता है? तो आप लोग जानते होंगे किसके बराबर होता है, जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, ऑप्शन आपका ए दिख रहा होगा, फर्स्ट में ही मार देना है। चलिए अगला प्रश्न उसको देखते हैं, आपको विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? जी हाँ विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? धारा का एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? जल्दी से बताइएगा, ऑप्शन ए है एम्पियर, बी है वोल्ट, सी है ओम और डी है वाट। जल्दी से बताइएगा 24 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो इसका विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वह एम्पियर होता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा नो डाउट, याद रखना है नो डाउट है ना। आप लोग को आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको प्रति हम लोग झुकते हैं। क्वेश्चन आ गया है शायद केमिस्ट्री का, ठीक है तो बताना है बच्चों जल्दी से 25 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, जी हाँ आपको बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? जल्दी से आपको बताना है आपका 25 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, जल्दी से आप लोग बताइए ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको चार ऑप्शन में दिख रहा होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। 25 नंबर प्रश्न का आंसर सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग जानते हैं कार्बनवा जो है जाकर के वायुमंडल में जम जाता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों याद रखना है डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ऑक्साइड ऑक्साइड हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न उसको देखेंगे, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जी हाँ बताइएगा शरीर में भोजन पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? 26 नंबर प्रश्न का इंतजार कर रहा हूँ आपका क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ऑप्शन ए उपचयन, बी है संयोजन, सी है विस्थापन और डी है अपचयन। तो जल्दी से बताइएगा कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो याद रखना है प्यारे बच्चों 26 का हो जाएगा ए उपचयन प्रक्रिया है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। जी हाँ सोनू कुमार यादव जी का है, नीतू कुमारी का ए है, बहुत बढ़िया। और प्यारे बच्चों जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कली चुन्ना, कली चुन्ना पर
जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। जी हाँ बताइएगा, कली चूना पर जब हम लोग पानी को डाल देते हैं तब उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है। इंस्टाग्राम शॉर्ट्स आ गए हैं जी, 27 नंबर प्रश्न का ये बताए हैं नीरज कुमार का ये है। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए 27 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा, जब हम लोग कली चूना पर पानी को डालते हैं तो यह उष्मा क्षेपी यानी उसमें से देखिएगा धुआं टाइप का निकलना चालू हो जाता है ना, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। जी हाँ नीतू कुमारी सोनू कुमार यादव का भी ऑप्शन ए था। अगला प्रश्न निम्नांकित में से, जी हाँ निम्नांकित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। जी हाँ बच्चों बताइएगा कि कौन इसमें से सबसे अधिक क्रियाशील है। आपको चार ऑप्शन है, बताइएगा सीयू से कॉपर होता है, एससी से आप लोग जानते हैं क्या होता है, और एजी से आप लोग जानते हैं सोना होता है, एयू से एल्युमिनियम होता है। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आप लोग को बताना है। 28 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका सही आंसर याद रखना है, 28 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा कॉपर। कॉपर जो होता है सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न का अमित कुमार का ये है, बहुत बढ़िया लाजवाब। अब देखिये अगला प्रश्न 29 नंबर, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है आपको बताना है, याद रखना है मित्रों कि चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सबसे पहले तो यहाँ पर याद रखिएगा कि आपको चूना जल बोल रहा है, जल का बुआ जो होता है सूत्र H2O होता है, क्या होता है H2O होता है। तो आप लोग को अब सोचना है कि इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा बच्चों, आप लोग को दिख जाना है कि क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ऑप्शन इसका डी बता रहे हैं इंस्टाग्राम शॉर्ट्स सोनू कुमार यादव और छोटी कुमारी, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी CaOH2, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा प्यारे मित्रों। चलिए अगला प्रश्न उसको देखिएगा, कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है उसका पीएच मान होगा। जी हाँ बताइएगा दोस्तों, जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, इतना परेशान होकर के मैं वीडियो बनाता हूँ जी। बताइएगा कि आपका क्वेश्चन है कि कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है उसका पीएच मान क्या होता है। ऑप्शन ए है 11, बी है 10, डी है आपको 5, सी है 5 और डी है ए और बी दोनों। तो याद रखना है ए और बी दोनों। तो यहाँ पर आपको ये क्षार होता है और ये क्या होता है अम्ल होता है, जो 7 से कम जिसका पीएच मान होता है वो अम्ल होता है। याद रखना है कम रहेगा तो अम्ल रहेगा, कम तो अम्ल और अधिक तो क्षार, ज्यादा तो क्षार हो जाएगा। जल्दी से बताना है 30 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखना है ये आपका पीएच मान क्या होता है आपको 7 से अधिक होता है, क्षार जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वो क्षार वाला, ठीक है। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने संयोजक होता है, सहसंयोजक बंधन बनते हैं। बताइएगा, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है भैया बच्चों, जल्दी से बताइएगा। एल्काइन में कार्बन कार्बन यानी कि सी और सी के बीच में जो ये बॉन्ड बनता है सहसंयोजक बंधन होता है वह कितने होते हैं। ऑप्शन आपका ए है ए, ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है और डी में 4 है। बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके दोनों कार्बनों के बीच का जो सहसंयोजक बंधन होता है वह कितना होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा प्यारे मित्रों। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 3 गो सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। आप लोग कार्बन कार्बन में जो बॉन्ड बनता है वह 3 गो सहसंयोजक होता है। चलिए अगला प्रश्न उसको देखिएगा, ग्लूकोज का आण्विक सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का आण्विक सूत्र क्या होता है भाइयों, जल्दी से आप लोग बता के बताइए कि देखते हैं कितने लोग बताते हैं। 32 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आप लोग को पता होगा जैसे सोनू वर्मा आए हैं, सोमू वर्मा आए हैं, उनका 32 का ये है, और यहाँ देखिए नीरज कुमार का 31 का भी था। चलिए प्यारे बच्चों जल्दी से आप लोग शेयर कर दें, आप लोग जो 10th वाले हैं जल्दी से अपने दोस्त यार को मैसेज कर दें कि आप लोग का क्लास चल रहा है, साइंस क्लास का मॉडल पेपर सेट करा रहे हैं। तो यहाँ देखिए 32 का ए बताएं सोनू कुमार यादव, अमित कुमार भी 32 का ए बताए हैं। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर ए हो जाएगा, C6H12O6। याद रखना है दोस्तों ये आपका क्या होता है, ग्लूकोज का आण्विक सूत्र होता है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं, आपको ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है साबुन, बी है अनुमार्जक, सी है आप इसको अनुमार्जक न अपमार्जक पढ़ा जाता है, ऑप्शन आपको सी है प्लास्टिक और डी है रबड़। तो जल्दी से बताइएगा आपको 33 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा।
जैसा कि नीतू कुमारी बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 का ए हो जाएगा, सोमू वर्मा ए है, और देखिएगा सोनू कुमार यादव है वह 33 का बी बताए हैं। याद रखना है इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अम्लों का जो सोडियम लवण होते हैं उसको साबुन कहते हैं, ऑप्शन आपका जो झाग उत्पन्न करता है, ठीक ना, जो झाग उत्पन्न करता है उसे हम लोग साबुन कहते हैं ना। अगला प्रश्न है CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, जल्दी से बताना है। ऑप्शन आपको ए में एल्डिहाइड, बी है अल्कोहल, सी है कीटोन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा 34 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो CHO रहेगा, जहां ऐसा कर लो तो क्या हो जाए तो पूरा एल्डिहाइड हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ए केमिस्ट्री है बाबू, याद रखना है। अगला प्रश्न है अवर्त सारणी के किसी अवर्त में दाएं से बाएं से दाएं, याद रखना है बच्चों बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की त्रिज्या होती है, क्या होती है, तत्वों की त्रिज्या में घटती है, पहले घटती है और पुनः बढ़ती है, और सी है अपरिवर्तित रहती है, और डी है बढ़ती ही जाती है। तो यहाँ पर बाएं से दाएं जाना है, तो बाएं से दाएं पर जाने में जो तत्वों की जो त्रिज्या होती है उस पर क्या फर्क पड़ती है, याद रखना है इसकी त्रिज्या हमेशा क्या होती है तो घटती जाती है। 35 नंबर प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा, जैसा कि सोमू कुमार और अमित कुमार का आंसर ए आया था बच्चों। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे, 36 नंबर प्रश्न उसको देखिएगा, निम्नांकित तत्वों को उनके धातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। तो आपको यहाँ पर देखिएगा लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम और फ्लोरीन दिया गया है, तो इसको बढ़ते क्रम में आपको सरियाना है, सजाना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों, जल्दी से बताना है बढ़ते क्रम इसका कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर इसका सही जो नजर आ रहा है वह हो जाएगा 36 नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सोमू कुमार वर्मा जी का आंसर, आपको दिख रहा होगा ऑप्शन आपका भी बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है, जी हाँ सिलिकॉन क्या है, ऑप्शन ए है धातु है, अधातु है, उपधातु है, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आज मैं क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, देखिए आप लोग को मात्र 22 मिनट में 37 क्वेश्चन करा चुका हूं, आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर करें ताकि आप लोग का क्या है तो जल्दी से क्वेश्चन खत्म कर सकूं मैं। तो सिलिकॉन क्या है आप लोग को बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन उपधातु है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। जी हाँ जिनका भी आंसर आया वो सभी का सी है, बहुत बढ़िया, सोमू कुमार, सोनू कुमार यादव और नीतू और अमित कुमार का भी सी है। चलिए अगला प्रश्न उसको देखें, निम्नांकित में से कौन सा विद्युत धनात्मक तत्व है, कौन सा इसमें से विद्युत धनात्मक है, ऑप्शन है सी से कार्बन, सी एल से आप क्लोरीन जानते हैं, एन से सोडियम, पी से आप लोग जानते हैं क्या होता है पोटेशियम, कि फास्फोरस, तो पी से आपको बताना है फास्फोरस होता है, के से पोटेशियम होता है ना। चलिए बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से आपको बताइएगा पोटेशियम फास्फोरस। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको 38 नंबर प्रश्न का आंसर देना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम, सोडियम होता है ये धन आयन होता है, सोडियम मैग्नीशियम ये सब धनात्मक होती है। चलिए बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर सीधा, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, बताइए टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है बच्चों, जल्दी से बताइए तो कि टिहरी बांध कहाँ है, तो टिटी यहाँ कहाँ बोला है पहाड़ पर, उत्तराखंड, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, निम्नांकित में से किस धातु को किरोसिन में डुबा करके डुबो कर रखते हैं, जी हाँ आपको बताना है 40 नंबर प्रश्न का कि कौन सा धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं, आपको बताना है 40 नंबर प्रश्न का, तो इसका सही आंसर सोमू कुमार का आया, इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम, याद रखना है बच्चों सोडियम ऑप्शन बी के साथ चलेंगे, जी हाँ बच्चों आपका सही आंसर सोडियम होगा। अपमार्जक से बने जाते हैं, बनाए जाते हैं, अपमार्जक से बनाए जाते हैं, ऑप्शन आपका ये है सर्फ एक्सल, बी शैम्पू, सी इजी सर्फ और डी है इनमें से सभी उपयुक्त, तो सभी, तो 41 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो 41 का डी हो जाएगा, सही बात है बच्चों, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, मात्र 6 पब्लिक देख रहे हैं, दिखे तो जरा।
इतना ठंडा में 6 पल देखेंगे? आप लोग को कुछ ख्याल नजर नहीं आ रहा है क्या? जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए मर्दे। चलिए अगला प्रश्न उसको देखिएगा, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए है प्लास्टिक, बी है सिलिकॉन, सी है यूरेनियम, डी है प्लूटोनियम। जल्दी से बताना है कि सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है। 42 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है। 42 का सी बताए हैं सोमू कुमार, नीतू कुमारी का भी है, सोनू कुमार का भी है। तो याद रखना है 42 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सौर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से यानी निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है? याद रखना नहीं किया जाता है। आपको घरों में कौन सा क्या होता है तो ईंधन लगता है और कौन सा नहीं लगता है? याद रखना है सीएनजी। सीएनजी क्या होता है? इधर आप लोग का अब ऑटो चलता है सीएनजी से ना, ऑटो चलता है, याद रखना है बच्चों ऑटो चलता है। अब एलपीजी जो आपका गैस सिलेंडर होता है, बायोगैस होता है, इससे भी हम लोग खाना बना सकते हैं। कोयला होता है, इससे भी खाना बना सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिएगा 43 का सोमू कुमार का ये है, नीतू कुमारी का ये है, झोटी का ये है, सोनू कुमार का है और अमित कुमार का भी आंसर ये है। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अब देखिएगा 2Cu+O2- आपको इतना माइनस CuO लिखा हुआ है, तो यह क्या है? ऑक्सीकरण है, अपघटन है, उदासीनकरण या विस्थापन है? जल्दी से बताइए। तो 44 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो ई में से ई गले, ई में से ई गले, तो ई खत्म, ये राम सी के लिए तो बचली कोची खाली ऑक्सीजन ही ना बचले, तो क्या हो गए बुआ? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। 44 का ऑप्शन ए होगा। चलिए जी हाँ, नीतू कुमारी का ये है, सोनू कुमार का एक है और अमित कुमार छोटी कुमारी का भी ये है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? संतुलित नहीं आपको पहचानना है, जल्दी से बताइए। आप लोग तो पहचान नहीं पाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है उदासीन, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है आपको बताना है। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? 46 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा उदासीन कौन होता है, तो वह 7 वाला पीएच मान वाला उदासीन होता है। 7 से कम होता है वो अम्ल में आते हैं और 7 से जो अधिक होता है उसको क्षार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्षार बोला जाता है अधिक वालों को। अगला प्रश्न उसको देखा, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? कौन सा? दुर्बल का मतलब कमजोर होता है, दुर्बल का मतलब क्या होता है? कमजोर होता है प्यारे बच्चों। जल्दी से बताइए कि दुर्बल अम्ल कौन सा है इसमें से? तो आपको 47 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा CH3, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, क्रायोलाइट क्रायोलाइट अयक्स है, किसका अयक्स है? क्रायोलाइट आपको बताना है। आपको क्वेश्चन नंबर 48 है, क्रायोलाइट किसका अयक्स है? तो वह है एल्यूमिनियम का, ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होती है? जी हाँ, अभी मैं बतला रहा था कि के से पोटेशियम होता है, तो पोटेशियम का परमाणु संख्या कितनी होती है आपको बताना है। के का पोटेशियम का जो होता है परमाणु संख्या कितनी होती है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19, ऑप्शन आपको सी होता है। 50 नंबर है, फॉर्मिक अम्ल का आईपैक नेम क्या होता है? IUPAC नाम क्या होगा? आईपैक नेम क्या होता है आपको बताना है। फॉर्मिक अम्ल का आईपैक नेम क्या होता है? तो होता है मेथनोइक अम्ल होता है, मेथनोइक अम्ल होता है, ऑप्शन आपका ए दिख रहा होगा, क्वेश्चन ये सब आता है बच्चों। अगला प्रश्न है इथाइल, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है बच्चों? जल्दी से बताइए। तो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इथाइल अल्कोहल का जो अणुसूत्र होता है वह होता है C2H5ROH होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है इल्काइन, अल्काइन कौन है? अल्काइन कौन है जल्दी से बताना है, अल्काइन कौन है? तो अल्काइन कौन है आप लोग को बताना है बच्चों। तो अल्काइन होता है C2 और H2 को अल्काइन कहा जाता है, ऑप्शन आपका ए दिख रहा होगा। 52 नंबर प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। जी हाँ बच्चों,
चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जी हाँ, अब बताइए चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है C12H22 और O11 होता है। ग्लूकोज का C6 था ना, H12 और O6 था। यहाँ देखो चीनी का क्या होता है, डबल हो जाता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है एसिटिलीन। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है? एसिटिलीन में सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। तो सहसंयोजक बंधन के बीच का जो संख्या होता है वह 3 हो जाती है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। 54 नंबर प्रश्न का आंसर डी नीतू कुमारी का सही है। सोमू कुमार का भी ऑप्शन डी है। अब देखिएगा 55 नंबर प्रश्न है श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज क्या होते हैं? बताइएगा श्वसन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन से होते हैं? ऑप्शन ए है सूखे बीज, बी है अंकुरित बीज, सी है उबला हुआ और डी है कुचले हुए। तो जल्दी से बताइएगा श्वसन के लिए कौन सा बीज होता है जो उपयोग में लाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 55 का बी, बहुत बढ़िया, अंकुरित बीज हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव ब्रिक किस प्रणाली का एक हिस्सा है? मानव ब्रिक किस प्रणाली का एक हिस्सा है बच्चों? जल्दी से बताइएगा मानव ब्रिक किस प्रणाली का एक हिस्सा है? ऑप्शन ए है पोषण का, बी है श्वसन का, सी है उत्सर्जन और डी है परिवहन का। जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अनुपमा कुमारी जुड़े हैं, उनका आंसर 56 का सी है, अमित कुमार का सी है। तो देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा उत्सर्जन, ऑप्शन सी के साथ चलेंगे बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका 57 है। पौधों में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? बताना है बच्चों जल्दी से कि पौधे में एंजाइम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? आपको 57 नंबर प्रश्न का आंसर देना है बच्चों। तो वह हो जाएगा जी हाँ, जैसा कि आप लोग बताएं सोमू कुमार, ज्योति और अनुपमा का आंसर ए है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों। चलिए आपको आ गए हैं डीजे अहिर, डीजे अहिर का आंसर ए है। चलिए अगला प्रश्न उसको दिखाइएगा आंसर आप लोग। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? जी हाँ बताइए श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? डीजे बहाले तू गाना बजा ले। चलिए श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? 58 का ज्योति का ए आया है आंसर। तो हाँ बच्चों याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, याद रखना है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुपमा कुमारी का ये है, डीजे वाले बाबू का भी ये है और अमित कुमार का ये है और सोनू कुमार का ऑप्शन सी था। फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? फलों को पकने से बचने के लिए इसको कौन सा आपको नियंत्रित करता है गैस बताना है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन ऑक्सीन और बी है जिबरेलिन्स और सी है इथिलीन और डी है साइटोकाइनिन। तो बताइएगा 59 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो फलों को बचाने के लिए इथिलीन का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 59 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी होगा। चलिए बहुत बढ़िया, नीतू का है और सोमू कुमार, ज्योति और यहाँ देखिए डीजे और अमित, सोनू कुमार का डी है, उनका बाकी सभी का सी था। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला देखिएगा न्यूरॉन। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है उसे क्या कहा जाता है? डेंड्राइट, तंत्रिकाक्ष और सी है कोशिका पिंड, डी है तंत्रिका अंत। जल्दी से बताएगा आपको 60 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए डेंड्राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, निम्नांकित में से कौन सा आपातकाल का हार्मोन है? इसमें से कौन सा आपातकाल का हार्मोन है? जल्दी से बताइएगा बच्चों आपातकाल का हार्मोन कौन हो जाएगा, आपातकाल का हार्मोन कौन होगा बच्चों जल्दी से बताइएगा। तो ये होता है एड्रेनालिन, एड्रेनालिन ऑप्शन आपका ए हो जाएगा।
ऑप्शन ए ज्योति का ए है, नीतू कुमारी का बी है, डीजे अहिर का ए है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है। 62 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अनैच्छिक क्रिया कौन नहीं है। तो अनैच्छिक क्रिया जो नहीं है वह आपको देखेगा उल्टी, अत्यधिक लार निकलना, सी आपका दिल की धड़कन, और डी है चबाना। तो आप लोग क्या करते हैं, तो ऑप्शन आपको डी लगाएंगे, अहीर जो आपका है, डीजे अहीर है उनका ऑप्शन डी, और ज्योति कुमारी का भी डी है, सोमू वर्मा का है सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, चबाना आपको अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है उसको देखिए, अब प्रश्न नंबर आपका 62 है, 63 की ओर बढ़ते हैं। अब मानव मानव में गर्भ की अवधि कितनी है, मानव में गर्भ की अवधि कितनी है आपको बताना है बच्चों। तो जल्दी से बताए, सोमू वर्मा कह रहे हैं अनैच्छिक क्रिया जो है आपको न चाहते हुए में जो आपको वो आपको है का शरीर के अपने कंट्रोल में कर सकते हैं आप लोग अपने, जो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था बच्चों कि अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो आप लोग का आपका अपने बस में क्या नहीं है, उल्टी नहीं है, अत्यधिक लार निकलना आप रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते, दिल को धड़कना रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं, तो आपको अनैच्छिक क्रिया नहीं है पूछ रहा है, ठीक ना। तो 63 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है, गर्भ की अवधि कितनी होती है, तो यहाँ बताना है बच्चों गर्भ की अवधि कितनी होती है, 270 दिन, 290 दिन, 200 दिन या 245 दिन। आप लोग जानते हैं बढ़िया से कि 9 महीना 9 दिन की बात करते हैं ना, तो 9 × 27 याद रखिएगा, तो ऑप्शन आपका ए दिख रहा होगा, तो इसका 63 का क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न उसको देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 64 है, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ बच्चों, जल्दी से बताइएगा आप लोग, जल्दी से बताइए 64 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो 64 नंबर प्रश्न का आंसर 1885 में हुआ था गंगा आपको एक्शन प्लान। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न उसको देखेंगे, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित में से किसमें होता है, आपको बताना है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, जल्दी से बताइएगा, आपको 65 नंबर प्रश्न है। चलिए डीजे अहिर जी 65 नंबर प्रश्न आपको देना है आंसर। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आपको ए दिख रहा होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से आपको संबंधित है, रिलेटेड है। आपको ऑप्शन ए है डायरिया, बी है टीबी, सी है निमोनिया और डी है बी और सी दोनों, जल्दी से बताइएगा 66 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो 66 नंबर प्रश्न का आंसर ज्योति का बी है और डीजे हीर का सी बता रहे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जी। अब देखिएगा अगला प्रश्न उसको देखिएगा, 67 नंबर प्रश्न है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं, किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन ए है प्रोटीन को, सेलुलोज, वसा और इनमें से सभी, जल्दी से बताएगा मनुष्य किसका आपको कहा है, तो मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं, तो वह नहीं कर पाते हैं सेलुलोज को, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा भाइयों। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या होता है, जी हाँ बच्चों आप लोग सुने होंगे ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या होता है। आपको ऑप्शन ए है हाइपोटेंशन, बी है हृदय घात, सी है हाइपर टेंशन और डी है पक्षाघात। तो जल्दी से बताइएगा आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण होता है हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सी हाइपरटेंशन, ज्यादा टेंशन होने से ब्रेन हेमरेज कर जाता है। जी हाँ सभी बच्चों का आंसर सी आ रहा है। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण है आपको बताना है बच्चों। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, बी है
कसकुटा, सी है विषाणु और डी है कवक। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा। 69 नंबर प्रश्न का नीतू कुमारी बी बताए हैं, सोमू वर्मा भी, डीजे अहिर हैं बी बताए हैं, और देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। 69 नंबर प्रश्न का होता है कसकुटा, है ना, ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बी था, लाजवाब। अगला प्रश्न है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है फेफड़ों द्वारा, आपका बी है विलय निलय द्वारा, सी है आलिंदों द्वारा और डी है इनमें से सभी के द्वारा। तो हृदय में संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? तो 70 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आलिंदों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपका सी होगा, डी नहीं होगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, हाइड्रा, हाइड्रा में लैंगिक जनन की विधि है, हाइड्रा में लैंगिक जनन की विधि है, आपको बताना है हाइड्रा में लैंगिक जनन की विधि क्या हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बच रहा है, इसके बाद 9 क्वेश्चन और है, क्योंकि आज 80 क्वेश्चन कराने की बात थी। तो यहाँ देखिएगा, 71 नंबर प्रश्न का आंसर बताएगा, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है तो मुकुलन द्वारा होता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा प्यारे भाइयों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको देखेंगे, जनन संचारित, जनन संचारित रोग है, जनन संचारित रोग है, ऑप्शन है सिफिलिस, बी है एड्स, सी है गुनोरिया और डी है इनमें से सभी। तो बताइएगा जनन संचारित रोग कौन है इसमें से? तो 72 नंबर प्रश्न का आंसर बताएं ज्योति, अनुपमा, नीतू कुमारी और सोमू वर्मा, डीजे अहिर। तो यहाँ देखिएगा इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ चलेंगे बच्चों, इनमें से सभी होता है, यौन संचारित इसी को बोलते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है, जी हाँ बताइएगा दोस्तों पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या होता है? ऑप्शन ए है बाह दल पुंज, बी है दल पुंज, सी है पुंग केसर और डी है स्त्री केसर। तो 73 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है, इसका सही आंसर क्या होता है? तो बाह दल पुंज होता है। बहुत बढ़िया, लाजवाब, खूबसूरत मेरे सिर और सिरनियों। चलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है आपको बताना है बच्चों, ए होता है, ए बी होता है, बी होता है या ओ होता है? ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा बच्चों, 74 नंबर प्रश्न का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? 75 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? 75 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा। तो यह जो नियंत्रित नहीं करता है वह है इंसुलिन, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, पादप वृद्धि हार्मोन है, पादप वृद्धि हार्मोन है वह इसमें से कौन है? ऑप्शन ए है जिबरेलिन, बी है एड्रेनालिन और सी है इंसुलिन और डी है थायरोक्सिन। जल्दी से बताइएगा पादप वृद्धि हार्मोन कौन है इसमें से? तो 76 नंबर प्रश्न का आंसर होगा जिबरेलिन हो जाएगा, जी हाँ ज्योति कुमारी का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, जिबरेलिन ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपको 77 की ओर बढ़ते हैं, हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित होता है आपको बताना है। 77 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हार्मोन स्रावित होता है, कहाँ से होता है हार्मोन स्रावित? जल्दी से आप लोग बताइएगा, सोमू कुमार वर्मा, याद रहिएगा आप लोग का आंसर ए आ रहा है, नीतू का ए है, ज्योति का ए है, तो बताइए अनुपमा कुमारी का भी आंसर ए है। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हार्मोन जो स्रावित होता है वह अंतः स्रावित ग्रंथियां से होती है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न का आंसर ए, अमित कुमार का भी है, डीजे अहिर का भी 77 का ए है। अब देखिएगा, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? बताइएगा मुंह में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है आपको बताना है, 78 नंबर प्रश्न।
ऑप्शन ए में है, एक बी में है, दो सी में है, तीन और डी में है चार। तो बताइएगा कितने जोड़े पाए जाते हैं। तो यहाँ देखिएगा सोमू का आया है सी, ज्योति का सी, नीतू का सी है, अनुपमा का सी है। तो यहाँ देखिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अमित कुमार का भी सी है। अगला प्रश्न है एंड्रोजेनम, एंड्रोजेनम में एंड्रोजेनम है, याद रखिएगा एंड्रोजेन कौन सा हार्मोन है, आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा एंड्रोजेन कौन सा हार्मोन है। तो यह है मेल हार्मोन, याद रखिएगा एंड्रोजेन जो है मेल हार्मोन है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला बताया मटर, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था। यह प्रश्न का 80 नंबर प्रश्न का आंसर सभी को आंसर देना होगा एंड्रोजेन, जो आपको मटर, मटर का प्रयोग किसने किया था, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, जल्दी से बताइएगा 80 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। बच्चों सभी को बताना है, या आज का यह आज का क्या है तो लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे, जल्दी से बताइएगा 80 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो मेंडल का जो याद रखना है आपको ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा, मेंडल ने ही मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किया था, और मेंडल ने किस नियम का प्रतिपादन किया था तो वह अनुवांशिक था, है ना, अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था, कौन तो मेंडल ने दिया था, याद रखना है अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है, तो मेंडल को कहा जाता है। मेंडल का जो पूरा नाम है आप लोग जानते होंगे ग्रेगर जॉन मेंडल होता है, ठीक है। अभी मैं बतला रहा हूं, आप लोग गुड नाइट बोल रहे हैं, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है या नहीं, नहीं है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग को शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, सभी को शुभ रात्रि।